केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। चंदाचूर भाजपा इन दिनों राम मंदिर भूमि को लेकर देश के सभी पार्टी बीजेपी को चोर कहकर ताने दे रही है। कोई कह रहा है राम के नाम पर धोखा, तो कोई राम जन्मभूमि घोटाला का नाम दे रहा। हुआ यह कि कुछ ही मिनट में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के नाप में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, जिससे राम भक्तों को महसूस हो रहा है कि भाजपा ने उनसे धोखा किया है। तब से सभी दूसरी पार्टी बीजेपी को चंदा चोर कह रही है और इसी गर्म माहौल में झारखंड महागामा कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी भाजपा बीजेपी पर प्रहार करते हुए सवाल किए हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार, चंदा चोर भाजपा के प्रदेश भर के नेता आज खेत खलियान देखने का नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने धरना का कार्यक्रम किया है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जब आप सत्ता में थे तब आपको किसानों की चिंता क्यों नहीं हो रही थी? किसान आपके बातों में नहीं आने वाला है। झारखंड में इतिहास रचा गया, पहली बार धान का बीज समय से पहले किसानों को दिया गया। समर्थन मूल्य का 50% पैसा किसानों के खाते में 7 दिन के अंदर मिल गया। दूसरे खेप का पैसा भी कई किसानों को मिल चुका है और बाकी को मिलने के रास्ते में है। तो मैं भाजपा के जो साथी हैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आज आप झारखंड में सत्ता में नहीं है तो खेती की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन अगर जरा ईमानदारी है किसानों के लिए तो मोदी जी को जगाइए, उनके सामने धरना दीजिए और बोलिए कि दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वो परेशान हैं, उनको समर्थन मूल्य देने का काम का कानून बनाएं और किसानों के हितों की रक्षा करें। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।